गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एबीएन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम वी स्टडी अबाउट द मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नाउ वी स्टडी आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। डिफरेंट डिफरेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ठीक है। उसमें जो फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। फर्स्ट है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देखो, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर फॉर्म्ड कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर फॉर्म टू प्रोटेस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर को एक बेटर इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, इन दीज कोऑपरेटिव सोसाइटी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर फॉर्म्ड फॉर प्रोटेस्ट टू इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए क्या होता है, भी इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रिपेयर कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म्ड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमर इंटरेस्ट के लिए क्या है, इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। कंज्यूमर इंटरेस्ट मीन्स कि कंज्यूमर्स को क्या होगी, एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है, कोई भी जितने भी ओवरऑल कंज्यूमर्स है जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट क्या होगी, एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट अवेलेबल हो एट ए रीजनेबल प्राइस, ठीक है। प्रोवाइडिंग ए बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट ए रीजनेबल प्राइस, ठीक है, कि कंज्यूमर्स को एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो रीजनेबल प्राइस पे क्या करोगी, अवेलेबल करवाना, वो क्या होता है भी अपना ये इस कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक मेन मोटिव होता है भी, ठीक है। इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है भी, प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट ए रीजनेबल प्राइस टू कंज्यूमर। कंज्यूमर्स को बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पे क्या करना, अवेलेबल करवाना, वो क्या होता है इसका मोटिव होता है, किसका, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, ठीक है। सो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म्ड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेस्ट करने के लिए इन कंज्यूमर सोसाइटीज को क्या किया गया है, प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। तो ये इनका मेन मोटिव क्या होता है, कि कंज्यूमर्स को एक बेटर प्रोडक्ट है, एक क्वालिटी प्रोडक्ट है, वो रीजनेबल प्राइस में क्या हो, अवेलेबल हो, कंज्यूमर्स के अगेंस्ट कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी नहीं हो, ठीक है। उसके लिए उन्होंने अपना डिफरेंट डिफरेंट जो है एक तरह से जो कंज्यूमर एक्ट है उसके रूल्स को भी क्या किया, उन्होंने फॉलो किया है, ठीक है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज किन को प्रोटेस्ट करती है, प्रोटेस्ट टू कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को क्या करती है, प्रोटेस्ट करती है, कंज्यूमर्स को एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट ए रीजनेबल प्राइस क्या करती है, अवेलेबल करवाती है, एंड प्रोडक्ट इज अवेलेबल और एवरीवेयर इन ए मार्केट। मार्केट में हर एक जगह प्रोडक्ट्स को क्या करती है, इजीली अवेलेबल करती है, ठीक है। तो ये किसको प्रोटेस्ट करती है, प्रोटेस्ट टू कंज्यूमर। कंज्यूमर्स को क्या करती है, प्रोटेस्ट करती है, एंड प्रोवाइडिंग मोर बेनिफिट्स टू कंज्यूमर, और कंज्यूमर्स को बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, अपनी फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। सेकेंड इज अपनी जो सेकंड है वो है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करती भी, ये प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड इट इज फॉर्म्ड फॉर द प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है,
जो क्या करते हैं लो क्वांटिटीज में क्या करते हैं प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, तो उनके इंटरेस्ट को क्यों, क्योंकि उनको क्या करना होता है, भी जो इंटरनेशनल मार्केट है या जो लार्ज कंपनीज है इंडस्ट्रीज है उनको वो क्या करते हैं फाइट करते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट को क्या करते हैं अभी लार्ज कंपनीज या इंटरनेशनल कंपनीज से क्या करना होता है उनको फाइट करना होता है, ठीक है, तो उनको क्या हो एक बेटर रॉ मटेरियल अवेलेबल कराना, उनको बेटर रिसोर्सेज अवेलेबल करवाना, ठीक है, उनको अगर मार्केट जो भी कंपटीशन है उनपे उस मार्केट कंपटीशन में उनको एक तरह से स्टैब्लिश करना, ठीक है, ये किसका यूज होता है, वो होता है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, सो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्मड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स, स्मॉल प्रोड्यूसर्स के इंटरेस्ट को क्या करता है ये प्रोटेक्ट करता है, उनको मोर बेनिफिट्स क्या करते हैं प्रोवाइड करवाते हैं, किनको, फॉर स्मॉल प्रोड्यूसर्स, ठीक है, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है, ठीक है, उनको एक बेटर बेनिफिट्स, फॉर एग्जांपल जैसे उनको कैपिटल फाइनेंशियली बेनिफिट्स देना, उनको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल करवाना, उनको ओवरऑल जो रिसोर्सेज है वो इजीली अवेलेबल करवाना, ठीक है, तो इस तरह से वो क्या करते हैं स्मॉल प्रोड्यूसर्स को क्या करते हैं बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेन पर्पस है वो क्या है, प्रोटेक्ट टू स्मॉल प्रोड्यूसर्स, ठीक है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को क्या करना प्रोटेक्ट करना, ठीक है, और उनमें इम्प्रूवमेंट करना, उनको जो भी उनके अदर रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, उनको क्या करना फुलफिल करना, ठीक है, तो वो क्या होता है इसका पर्पस होता है भी, ठीक है, तो ये क्या होते हैं प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है भी। थर्ड जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मार्केटिंग मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, एंड ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू प्रोटेस्ट द स्मॉल प्रोड्यूसर इन ए मार्केटिंग, मार्केटिंग में ये तो क्या करते हैं अभी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, बट मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्मॉल प्रोड्यूसर्स को क्या करते हैं इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में क्या करते हैं हेल्प करते हैं, ठीक है, तो उनको इन्हें कंपटीशन इंटरनेशनल कंपनीज एंड लोकल कंपनीज है उनसे एक तरह से कंपटीशन फाइट करना है, तो मार्केटिंग में क्या करते हैं उनको हेल्पफुल करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स रिलेटेड एक तरह से जो ओवरऑल डिटेल्स है इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो कंज्यूमर्स को क्या करते हैं इजिली अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है, तो उससे उनकी मार्केटिंग जो होती है वो क्या होती है इजिली होती है, ठीक है, तो मार्केटिंग में ये क्या करते हैं भी एक तरह से जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, या स्मॉल बिजनेसमैन है उनको क्या करते हैं मार्केटिंग में क्या करेंगे उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है, उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है या बेसिक डिटेल्स है वो कंज्यूमर्स को क्या करते हैं एक तरह से इजीली अवेलेबल करवाते हैं, जिससे उनको मार्केटिंग करना क्या होता है हेल्पफुल होता है, ठीक है, और इजीली वो क्या कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि मार्केटिंग के थ्रू ही उनके प्रोडक्ट्स की क्या होगी डिमांड होगी, ठीक है, तो डिमांड कब इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू द मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग के अकॉर्डिंग उनके प्रोडक्ट्स की क्या होगी एक तरह से डिमांड इंक्रीज होगी, तो मार्केटिंग में भी क्या करते हैं स्मॉल प्रोड्यूसर्स को क्या करते हैं हेल्प करते हैं, ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स की उनके क्वालिटीज की उनके प्रोडक्ट्स के फीचर्स की जो भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है वो कंज्यूमर्स को एंड जनरल पब्लिक्स को क्या करते हैं अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है, फोर्थ है अपनी फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फार्मर्स फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये फार्मर्स दिस कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, ठीक है, फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन सोसाइटीज को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, ये जो सोसाइटी है इसका मेन जो मोटिव है वो क्या है प्रोटेस्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स के इंटरेस्ट को क्या करना प्रोटेस्ट करना, उसको उनको सेफ्टी करना, उनको बेसिक फैसिलिटीज क्या करना अवेलेबल करवाना, जैसे फॉर एग्जांपल उनको जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनको जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो भी उनको सीड्स चाहिए या कोई अदर कोई नॉलेज है तो वो नॉलेज अवेलेबल कराना,
उनकी अगर फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियली अगर उनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो वो कैपिटल उनको अरेंज करना, अदर कोई रिसोर्सेज है तो अदर रिसोर्सेज क्या करना, अवेलेबल करवाना, ठीक है। तो मतलब फार्मर्स की जो बेसिक नीड्स होती है या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, ठीक है, तो उन बेसिक रिक्वायरमेंट्स को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, ठीक है। उनको अगर कोई लोन फैसिलिटी चाहिए तो लोन फैसिलिटी भी उनको इजीली अवेलेबल होती है, ठीक है। तो फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज की सोसाइटीज फॉर्म्ड टू प्रोटेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स, ठीक है। फार्मर्स के इंटरेस्ट को क्या करती है, प्रोटेस्ट करती है और फार्मर्स को मोटिवेट करती है, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर फार्मर है, ठीक है, उन फार्मर्स को क्या होते हैं अभी बेसिकली अपनी फार्मिंग करने के लिए क्या होता है, अभी एक नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और उनको जो भी उनके बेसिक इक्विपमेंट है या जो भी उनका जो भी सीड्स होते हैं, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट या अदर कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो उन ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स को कौन फुलफिल करता है, अभी फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी फार्मर की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन्हें एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, ठीक है। उसके बाद में अपना फिफ्थ है वो है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट 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 कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ये क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्संस को क्या करते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज देते हैं। क्रेडिट फैसिलिटीज मतलब लोन फैसिलिटीज, ठीक है। कोई किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को एट ए कोई भी पर्टिकुलर रीजन या कोई पर्टिकुलर बिजनेस के लिए क्या है, भी कोई भी रिक्वायरमेंट है, तो ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू उनको क्या होता है, इजीली लो इंटरेस्ट रेट पे क्या होता है, उनको इजीली लोन क्या होता है, अवेलेबल होता है भी, ठीक है। तो ये इजीली क्या करते हैं, अभी जनरल पब्लिक को क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, और मिनिमम इंटरेस्ट रेट, ठीक है, जो इंटरेस्ट की जो रेट होगी वो भी क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे क्या करते हैं, इजीली लोन फैसिलिटीज होती है, ठीक है, वो क्या करते हैं, तो अपने जितने भी कोई भी पर्टिकुलर मेंबर है उनको क्या करेंगे, या जनरल पब्लिक जो है उसको एक तरह से लोन फैसिलिटी एट ए मिनिमम इंटरेस्ट रेट, ठीक है, प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटी एट ए मिनिमम इंटरेस्ट रेट, ठीक है। मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे क्या करते हैं, लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं, एंड रिड्यूस द, ठीक है, एंड रिड्यूस द अदर 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 मेंबर्स हु प्रोवाइड द हु चार्ज द एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। जो अदर सोसाइटीज या अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करते हैं, भी हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं लोन पे, ठीक है, उनको क्या करना, रिड्यूस करना, ठीक है। इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है, कि जो हाई इंटरेस्ट चार्ज कर रही है ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, उनको क्या करना, एक तरह से रिड्यूस करना या उनको आउट करना, ठीक है, और मिनिमम रेट पे क्या करना, कंज्यूमर्स को या जनरल पब्लिक्स को क्या करना, एक तरह से लोन प्रोवाइड करवाना, ठीक है, क्योंकि मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे इजीली उनको क्या होगा, लोन मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्रेडिट कोऑपरेटिव, क्रेडिट का मतलब एक होता है गुडविल बेसिस पे, ठीक है, गुडविल होती है, ठीक है, एक इमेज होती है, ठीक है, उसके बेसिस पे क्या होगा, उनको लोन प्रोवाइड होगा। एंड नेक्स्ट है कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटीज, कोऑपरेटिंग हाउसिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटीज का मींस क्या हुआ, कि ये कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी मतलब जो नॉर्मल पर्सन है जिनको क्या है भी हाउसिंग से रिलेटेड फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उनको ये क्या कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करते हैं, हाउस से रिलेटेड क्या करते हैं, अभी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं। अभी करंट में भी क्या है, बहुत सारे ऐसे जो अपने एक तरह से अपने दे रखे जो लोकल चलते ना मुख्यमंत्री जो आवास योजना के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो क्या है भी अपनी एक तरह से फैसिलिटीज मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, और जो भी जनरल पब्लिक है या जो नॉर्मल क्या कर सकते हैं अभी एक तरह से हाउसिंग अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनको क्या इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं अभी पेमेंट, उनको एक पेमेंट मेथड भी उनका क्या होता है, इजी होता है, ठीक है। तो इजी पेमेंट मेथड के थ्रू या फॉर इंस्टॉलमेंट, ठीक
है, इंस्टॉलमेंट मेथड के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, अपने हाउसिंग फैसिलिटीज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उनका जो पेमेंट होता है वो एक तरह से इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे क्या करेंगे, वो पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी हाउसिंग से रिलेटेड जो फैसिलिटीज है उन फैसिलिटीज का क्या कर सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज क्या करते हैं, भी हाउसिंग से रिलेटेड क्या करती है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है। ठीक है ना, जिनको भी हाउस से रिलेटेड फैसिलिटी चाहिए, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू इजीली हाउस फैसिलिटीज का यूज कर सकते हैं फॉर पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इंस्टॉलमेंट के थ्रू वो क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, और जो हाउसिंग फैसिलिटीज है उनका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, अपनी डिफरेंट डिफरेंट क्या है, अभी सिक्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सोसाइटी में फर्स्ट है कंज्यूमर, ये कंज्यूमर्स को प्रोटेस्ट करते हैं, कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोड्यूसर, ये जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है उनको इंटरेस्ट करेंगे इन प्रोडक्शन। और ये क्या करेंगे, मार्केट कोऑपरेटिव सोसाइटी मार्केट में हेल्प करते हैं, मार्केटिंग में। एंड फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये फार्मर्स को प्रोटेस्ट करते हैं, फार्मर्स के बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं। ठीक है, एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव इजीली क्या करते हैं, भी लोन प्रोवाइड करवाते हैं एट ए मिनिमम इंटरेस्ट रेट। मिनिमम इंटरेस्ट रेट में क्या करते हैं, जो भी जनरल पब्लिक है उनको लोन फैसिलिटीज क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। एंड लास्ट है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज, ये हाउसिंग फैसिलिटीज क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। और इसमें जो पेमेंट मेथड होता है वो होता है इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट में आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के। ठीक है।